हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं कैलकुलेटर यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो, आपको ये कैलकुलेटर दिख रहा होगा। तो उसमें यहाँ पे 7 4 1 कुछ भी हम लोग टाइप करते हैं। अभी मैं इस AC बटन पे क्लिक करूँगी तो देखो सारे जो भी हमने ऐड किए थे वो यहाँ से क्लियर हो गए। मीन ये हमारा ऑल क्लियर बटन है। तो ये हमारा डिलीट बटन है, जो कि जो भी हम लास्ट एंटर करेंगे उस डिजिट को ये डिलीट कर देगा। एंड अगर हम लोग 28% इक्वल टू करें तो परसेंटेज मिल रहा है हमें। तो ये कैलकुलेटर हमारा बिल्कुल वर्क कर रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले कैलकुलेटर यूजर इंटरफेस डिजाइन करेंगे HTML एंड CSS को यूज करके। एंड आफ्टर दैट हम लोग इसमें सारी फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे जावास्क्रिप्ट को यूज करके। तो आते हैं अपने विजुअल कोड पे एंड इसकी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना के रखा है कैलकुलेटर। इसे ओपन करूंगी एंड यहाँ राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड पे क्लिक करूंगी। तो ये मेरा VS कोड ओपन हो चुका है। यहाँ एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है आपको। तो ये देखो मेरा फोल्डर यहाँ पे आ चुका है कैलकुलेटर। फोल्डर के अंदर हमें 3 फाइल्स क्रिएट करने हैं। 1 4 HTML बनाऊंगी, index.html। सेकेंड हम लोग बनाएंगे style.css। थर्ड बनाएंगे script.js। तो ये 3 फाइल्स क्रिएट हो गई है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं index.html में और HTML की कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैंने स्क्रिप्ट के साथ 1 प्रेस किया, एंटर किया। ये हमारा HTML का बॉयलर प्लेट हमें मिल गया। यहाँ पे मैं टाइटल ऐड कर लेती हूँ जल्दी से। हमने जो CSS और JavaScript के लिए फाइल बनाई है उसे भी HTML फाइल में लिंक कर लेते हैं। तो CSS फाइल को लिंक करने के लिए मैंने लिखा link:CSS, एंटर करूंगी मैं। ये देखो मेरा CSS फाइल यहाँ पे लिंक हो चुका है। सेम उसी तरह से ये क्लोजिंग बॉडी टैग के जस्ट ऊपर अपने स्क्रिप्ट फाइल को भी हम लोग JavaScript फाइल को भी हम लोग ऐड कर लेंगे। मैंने लिखा script:src एंड यहाँ पे हम लोग अपने फाइल को ऐड कर देंगे जो हमने JavaScript के लिए बनाई थी, script.js। तो अभी हमारा इतना हो चुका है। हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं बॉडी टैग के अंदर और HTML की कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कंटेनर बनाऊंगी। मैं एक डिप लूंगी जिसमें मैं क्लास दूंगी कंटेनर, क्योंकि ये क्लास है तो मैंने डॉट लिखा। तो जैसे मैं एंटर करूंगी ये देखो मेरा डिप क्रिएट हो गया। तो इस कंटेनर के अंदर ही हमारा कैलकुलेटर होगा। तो कैलकुलेटर में हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले तो मुझे वो एक डिस्प्ले बॉक्स चाहिए जिसमें हमारा इनपुट आउटपुट कुछ हमें दिखेगा। तो उसके लिए मैं एक इनपुट टैग ले रही हूँ। मैं नेम और आईडी यहाँ से हटा दे रही हूँ। यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर ऐड करूंगी सिर्फ, जिसमें मैं वैल्यू ऐड करती हूँ 0। इसमें हम लोग एक क्लास ऐड कर देते हैं। तो क्लास में देती हूँ डिस्प्ले, क्योंकि तो आप लोग जो भी इनपुट ऐड करोगे वो भी आपको इसी इनपुट बॉक्स में दिखेगा। जो भी हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होगा वो भी इसमें ही दिखने वाला है। तो अब हम लोगों को चाहिए कैलकुलेटर के बटन। तो मैं क्या करूँगी, हमें जितने भी बटन है उसको एक डिप के अंदर हम लोग ले लेते हैं। तो डिप में बनाऊंगी, इसमें मैं क्लास दे देती हूँ बटन एंड इस डिप के अंदर सारे बटन आएंगे मेरे। तो टोटल हमें कितने बटन चाहिए? तो मुझे टोटल 20 बटन चाहिए। तो मैंने बटन मल्टीप्लाई बाय 20 किया और एंटर कर दिया। तो अभी कुछ इस तरह से 20 बटन यहाँ पे आ चुके हैं। बट अभी देखो ये सारे एक लाइन में आ गए, इन सबको वर्टिकली यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो ये देखो फर्स्ट वाला हमारा ये है स्टार्ट और एंड। तो यहाँ पे मैंने कर्सर को रखा, अभी मैं अल्ट प्रेस करूंगी एंड जितने भी ये क्लोजिंग बटन टैग आपको दिख रहे हैं उसके एंड में आपको कर्सर को क्लिक करना है अल्ट को प्रेस करते हुए। ध्यान रखना, ध्यान से आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे क्लोजिंग बटन है उसके एंड में आपको एक कर्सर को प्लेस करना है। मैंने अल्ट को अभी छोड़ दिया है, अभी मैं एंटर करूंगी। तो ये देखो जितने भी बटन थे अभी इस तरह से आ गए हैं। तो ये मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी थी जो हम लोग VS कोड में यूज करते हैं। तो एक एक ही साथ हमने सारे बटन को इस तरह से अरेंज कर लिया है। तो ये काफी हेल्पफुल होता है, ये सारे शॉर्टकट आप लोगों को भी आने चाहिए। अभी मैं इसे 4 4 के पेयर में अरेंज कर लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ा ईजी हो जाए कोड करना। कुछ इस तरह से मैंने कर लिया है। अभी मुझे क्या क्या बटन चाहिए वो मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ सब।
तो मैंने सारे बटन के वैल्यू को भी यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी मैं इसे सेव करती हूँ एंड अब मैं यहाँ गो लाइव पे क्लिक करके आप लोगों को आउटपुट दिखाती हूँ ब्राउजर पे। तो ये देखो हमने जितने भी HTML में अभी बटन बनाए हैं और इनपुट बॉक्स दिए वो सभी हमें यहाँ दिख रहा है। ये हमारा टाइटल है कैलकुलेटर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। मैं अपने कोड एडिटर और इस ब्राउजर को साइड बाई साइड ओपन करती हूँ ताकि आपको पूरा कोड दिखेगा। तो HTML में हमें अभी इतना ही करना है। अभी हम लोग आ जाते हैं style.css में। तो CSS में सबसे पहले हम लोग करेंगे CSS को रीसेट। वो क्या होता है, अभी देखो आपको इनपुट बॉक्स के ऊपर कुछ स्पेस दिख रही है, इसे हम लोग मार्जिन बोलते हैं। लेफ्ट में भी आपको स्पेस दिख रही है। तो HTML में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसमें बाई डिफॉल्ट कुछ ना कुछ मार्जिन और पैडिंग ऐड होती है। तो हम नहीं चाहते हैं कि उसमें डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग हमें मिले, तो हम लोग यहाँ पे CSS रीसेट करते हैं जिससे जो भी डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग होती है पहले से वो क्लियर हो जाती है। अभी मैं सेव करती हूँ। ये देखो अभी ये बिल्कुल टॉप पे चली गई है, मीन्स जो स्पेस था वो जा चुकी है क्योंकि हमने यहाँ पे डिफॉल्ट मार्जिन को जीरो कर दिया है। ऐसे ही बॉक्स साइजिंग को भी हम लोग कर देंगे बॉर्डर बॉक्स सेव कर। ये हो गई CSS रीसेट। अब हम लोग बॉडी टैग में भी कुछ CSS ऐड करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें विड्थ और हाइट सेट कर देती हूँ। विड्थ में करूँगी 100%, हाइट को करूँगी मैं 100 PH एंड हम इसमें एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे। मुझे एक सिंगल कलर चाहिए, मैं कुछ ग्रेडियंट वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैंने ब्लू लिखा बट मुझे ब्लू चाहिए नहीं। मैं यहाँ पे कर्सर को रखूँगी और यहाँ से मैं मुझे एक लाइट सा कलर चाहिए। सपोज मैं ये कलर ले लेती हूँ। सेव किया मैंने, ये थोड़ा डार्क है, सेव करती हूँ मैं। तो कुछ इस तरह का बैकग्राउंड मुझे मिल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें जो ये कंटेंट दिख रहे हैं ये टॉप पे दिख रहे हैं, मैं चाहती हूँ ये बॉडी के सेंटर में दिखे। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने मेरी CSS फ्लेक्सबॉक्स और ग्रीड की वीडियो देखी होगी आपको पता होगा। तो यहाँ ग्रीड को यूज़ करके कैसे हम लोग सेंटर अलाइन करेंगे किसी भी डिस्क पे वो देखते हैं। मैं यहाँ पे ग्रीड यूज़ कर रही हूँ। तो डिस्प्ले ग्रीड किया मैंने एंड प्लेस आइटम्स करूँगी मैं सेंटर एंड ये मैं सेव करती हूँ। ये देखो ये बॉडी के बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है, ये देख सकते हो आप। अगर आपको CSS ग्रिड नहीं मालूम है तो आप लोग मेरे CSS ग्रिड की वीडियो देख सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पे कंटेनर को सेलेक्ट करते हैं और इसमें कुछ CSS ऐड करते हैं। अभी देखो आपको कंटेनर दिख नहीं रहा होगा, सबसे पहले तो हम इसमें एक बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं ताकि आपको ये दिखे। तो मैं कलर ऐड करती हूँ, ब्लैक कलर में मुझे चाहिए, पूरा ब्लैक नहीं चाहिए। मैं ये कलर कोड यूज़ कर रही हूँ, इसे सेव करती हूँ। तो अभी ये जितना एरिया आपको दिख रहा है ब्लैक में वो हमारा कंटेनर है। मैक्स विड्थ ऐड करती हूँ 480 पिक्सल, सेव किया मैंने। अभी देखो सारे कंटेंट इस कंटेनर के बॉर्डर से चिपके हुए, तो हम लोग क्या करेंगे हेडिंग ऐड कर देते हैं। टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल एंड इस कंटेनर के बॉर्डर को हम लोग थोड़ा सर्कुलर बनाना चाहते हैं तो बॉर्डर रेडियस यूज करेंगे 8 पिक्सल। ये देखो अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी के लिए इसे इतना ही रहने देते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमने बनाया है बटन, तो इस बटन्स को भी हम लोग फाइल कर लेते हैं। क्लास के थ्रू इसे सेलेक्ट कर रही हूँ। तो अभी देखो जितने भी बटन्स हमने ऐड किए हैं वो सारे एक लाइन में ही ऐड हो रहे हैं, बट हम लोगों को क्या चाहिए, एक लाइन में हमें टोटल 4 ही बटन दिखाना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन मैं ग्रिड प्रॉपर्टी यूज करूंगी। तो बटन्स में मैं डिस्प्ले करूंगी ग्रिड। तो कितने कॉलम्स बनाने हैं हमें, 4 कॉलम बनाने हैं एंड जितने हमारे कंटेनर की विड्थ है उतने ही विड्थ में मुझे 4 कॉलम बनाने हैं इक्वल साइज के। तो मैंने कुछ इस तरह से लिखा। अभी इसे मैं लूंगी ब्रैकेट में और यहाँ पे हम लोग एक रिपीट फंक्शन यूज करेंगे। इसका मतलब हुआ 1 FR रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स और 1 FR क्या होता है, 1 पोर्शन ऑफ द टोटल बिट। इसे मैं सेव करती हूँ। ये देखो
ये चार बटन आपको दिख रहे हैं अभी एक लाइन। तो ये सारी चीजें आपको मेरे सी एस एस ग्रीड की वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, आप लोग एक बार देख लेना अगर नहीं पता है तो। यहाँ पे हम लोग ग्रीड गैप ऐड कर देते हैं 10 पिक्सल, ताकि रो और कॉलम के बीच में आपको गैप दिखेगा। तो अभी हमारा ये छोटू सा कैलकुलेटर हमें दिख रहा है। अब हम लोगों ने ये जो डिस्प्ले बनाया है उसमें हम लोग उस सी एस एस ऐड करते हैं। तो हमने क्लास दिया है, ये इनपुट बॉक्स में हमने क्लास दिया है डिस्प्ले, इसे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्लास को डॉट के साथ सेलेक्ट करते हैं, ये विड्थ को मैं करती हूँ 100%। तो हमारे जो कंटेनर की विड्थ है ये उसकी विड्थ के बराबर हो जाएगी। एंड अभी ये एक पतली सी इनपुट बॉक्स हमें दिख रही है, तो मैं यहाँ पे हाइट ऐड कर देती हूँ 80 पिक्सल। ये देखो अभी इतना दिख रहा है। एंड अभी ये जो हमने ज़ीरो ऐड किया है वो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, तो इसे हमें राइट साइड में रखना है। टेक्स्ट लाइन हम लोग करेंगे राइट, सेव किया मैंने, ये राइट में जा चुका है। इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, मैं 32 पिक्सल ऐड करती हूँ। अभी ये ज़ीरो देखो बिल्कुल बॉर्डर से सटी हुई दिख रही है, तो मैं क्या करूँगी पैडिंग ऐड कर देती हूँ राइट साइड से 4 पिक्सल की, देख सकते हो अभी थोड़ा राइट साइड शिफ्ट हो गया ये। और क्या करना है हम लोगों को, ये जो डिस्प्ले है अगेन इसके कॉर्नर को हम लोगों को थोड़ा सर्कुलर करना है, तो बॉर्डर रेडियस ऐड करती हूँ मैं 6 पिक्सल, सेव करती हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग बॉर्डर सेट करेंगे 1 पिक्सल एंड बॉर्डर स्टाइल कॉर्नर, सेव करती हूँ मैं। एंड आउटलाइन नन करते हैं। एंड अभी देखो इनपुट बॉक्स और बटन बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो मैं इनपुट बॉक्स में बॉटम से मार्जिन ऐड कर देती हूँ, MB लिखा मैंने, मार्जिन बॉटम आ गया, 12 पिक्सल ऐड करती हूँ मैं। ये देखो अभी गैप आ गया यहाँ पे। एंड इसमें हम लोग कर्सर पॉइंटर ऐड कर देते हैं। तो अभी हमारा इतना हो चुका है, अब हम लोग बटन को स्टाइल कर लेते हैं। तो बटन में हमने कोई क्लास नहीं दिया है, डायरेक्ट इसे नेम के थ्रू सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ लाइन हाइट 40 पिक्सल, सेव किया मैंने। बॉर्डर रेडियस में करूँगी 30 पिक्सल, कुछ ज़्यादा हो गया है, मुझे सर्कुलर बटन नहीं चाहिए। या फिर मैं परसेंटेज में ऐड करती हूँ, कुछ इस तरह का बटन चाहिए। अभी आपको एक बॉर्डर दिख रही होगी, यहाँ पे मैं बॉर्डर को यहाँ पे कर देती हूँ 0, सेव करती हूँ। फॉन्ट साइज को हम लोग कर लेते हैं 15 पिक्सल, फॉन्ट वेट थोड़ा बोल्ड हो गया अभी। एंड अब हम लोग बटन में एक बॉक्स शैडो ऐड कर लेते हैं, कलर ऐड करूँगी मैं RGBA, मुझे ब्लैक कलर में चाहिए शैडो, मैं ब्लैक कलर ले रही हूँ। एंड इसकी ब्लर वैल्यू को मैं रखती हूँ 0.8, क्योंकि ये ब्लैक कलर में है इसे आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ कलर में कुछ चेंजेस करूँ, देखते हैं कौन सा कलर आता है, सेव करती हूँ। तो ये ग्रीन कलर में, तो ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है यही है हमारे बटन का शैडो, बट क्योंकि मुझे ब्लैक में चाहिए ये, मैं यहाँ पे ब्लैक कलर ले रही हूँ। तो ये हल्की सी शैडो दिख रही है बट आपको पता नहीं चलता है। अब मैं चाहती हूँ जब भी हम लोग बटन पे कर्सर लेके जाएं तो इसमें इफेक्ट ऐड हो, उसके लिए हम लोग होवर इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ जब भी हम लोग कर्सर को बटन पे मूव करेंगे तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा चेंज होगा, तो बैकग्राउंड मैं लूँगी ऑरेंज कलर में। ये देखो अभी मैं जैसे ही कर्सर को मूव कर रही हूँ किसी भी बटन पे, तो इसका बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, बट मुझे ये ऑरेंज नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल लाइट कलर चाहिए। तो ये हल्का सा चेंज आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा अगर आप इसे और डार्क कर सकते हैं तो आपको दिख रहा होगा ये बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। हम लोग इसमें कुछ और स्टाइल ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी ऑपरेटर बटन है हमारे, मीन्स ये डिलीट बटन, परसेंटेज, प्लस, माइनस, ये सारे हमारे ऑपरेटर्स है, तो इसमें हम लोग कुछ अलग स्टाइलिंग ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ऑपरेटर्स हैं वहाँ पे हम लोग एक क्लास ऐड करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वाले चार बटन ऑपरेटर्स हैं हमारे, तो मैं यहाँ बटन टैग के अंदर बटन के लास्ट में आपको कर्सर को रखना है, अल्ट प्रेस करना है और मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी को यूज़ करके हम लोग सभी जगह पे एक साथ क्लास ऐड कर लेंगे। बस ये ध्यान रखना जहाँ पे ऑपरेटर है उसी बटन के एंड में आप, तो यहाँ देखो माइनस प्लस ये इक्वल टू,
अब मैंने माउस एंड ऑल्ट बटन दोनों को छोड़ दिया है, स्पेस ऐड करेंगे एक एंड लिखेंगे क्लास इक्वल टू, एंड जो भी क्लास हमें ऐड करना है मैं ऑपरेटर लिख देती हूँ। ओके तो ये देखो एक साथ सभी जगह पे क्लास ऐड हो गया, इसे हम लोग सेव करते हैं। अब आ जाते हैं सीएसएस में और इस क्लास को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे डॉट ऑपरेटर एंड इसमें हम लोग सीएसएस ऐड करते हैं। तो इसमें हम लोगों को कलर ऐड करना है, मैं ऑरेंज कलर ऐड करती हूँ। ये देखो जितने भी ऑपरेटर थे उसके आपको टेक्स्ट यहाँ पे जो भी टेक्स्ट वैल्यू है वो ऑरेंज कलर में दिख रहा है। मुझे ये ऑरेंज नहीं चाहिए, मुझे ये वाला ऑरेंज चाहिए, मैं सेव कर, ये सही है। अभी अगर आपको इसके फॉन्ट साइज को, आप सिर्फ ऑपरेटर्स के फॉन्ट साइज को यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, तो इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। बट ओके है, फॉन्ट साइज मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, भाई इतना रहने देते हैं। एंड अब हम लोगों को क्या करना है, ये राइट साइड में जितने ऑपरेटर्स आ रहे हैं, ये डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, प्लस, इसमें हम लोगों को कुछ और सी एस एस ऐड करते हैं। तो अलग से इसमें सी एस एस ऐड करने के लिए आते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में और इसमें हम लोग एक और क्लास ऐड करेंगे। तो ये राइट साइड में कौन कौन से बटन है मेरे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिवाइड बटन है। तो यहाँ पे जहाँ हमने ऑपरेटर क्लास दिया है, एच टी एम एल में एक एलिमेंट में आप लोग मल्टीपल क्लास ऐड कर सकते हो स्पेस ऐड करके। तो ऑपरेटर के एंड में आपको कर्सर को रखना है अल्ट और राइट साइड वाले बटन पे से, ये ध्यान से देखना आपने, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, प्लस, ये इक्वल टू, यहाँ पे ऑपरेटर मैंने लिखा है वो सब जगह पे मैंने कर्सर को रखा, स्पेस ऐड करेंगे और यहाँ पे एक क्लास नेम ऐड कर देंगे, राइट ऑपरेटर लिख रही हूँ। तो ये देखो ये सारे राइट साइड वाले ऑपरेटर में एक क्लास ऐड हो गया राइट ऑपरेटर। इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और आती हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस में और डॉट के साथ इसे सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसके बैकग्राउंड को हमें चेंज करना है। तो ये जो कलर ऐड किया है हमने इसे मैं कॉपी करती हूँ और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ये सेव किया मैंने, ये देखो इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया है। बट बैकग्राउंड जैसे ही चेंज हुआ उसके अंदर जो टेक्स्ट था वो भी हमें नहीं दिखता है। चेंज करूंगी कलर, वाइट ऐड करती हूँ, सेव करती हूँ। तो ये देखो अभी टेक्स्ट वाइट में दिख रहा है। तो अभी इस बैकग्राउंड पे ये वाइट दिख रहा है, बट जब हम इस पर हवर कर रहे हैं तो इसका जो टेक्स्ट है वो हमें नहीं दिख रहा है। तो ये वाइट की जगह हम लोग यहाँ पे ब्लैक कर लेते हैं, सेव करते हैं। ये तो अभी ये ठीक है। अभी हम लोग इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, ये काफ़ी छोटे दिख रहे हैं अभी, तो आई थिंक इतना सही है। इसे सेव किया मैंने, तो आई थिंक हमारा ये कैलकुलेटर का जो इंटरफेस था ये बिल्कुल रेडी है। अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं जावा स्क्रिप्ट में और इसमें हम लोग फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें एक्सेस करनी है, सबसे पहले तो हमें ये डिस्प्ले चाहिए क्योंकि इस पर ही हमारा इनपुट दिखेगा एंड इसमें ही हमारा आउटपुट भी हमें दिखेगा। तो मैं कॉन्स्ट के साथ वेरिएबल लूँगी डिस्प्ले एंड जावा स्क्रिप्ट में किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्लास के थ्रू सेलेक्ट करना है। तो मैं क्वेरी सेलेक्टर लेती हूँ एंड हमने इस इनपुट बॉक्स में क्लास दिया था डिस्प्ले, तो इस पोर्ट के अंदर मैं डॉट डिस्प्ले इसके क्लास नेम के थ्रू इनपुट बॉक्स को जावा स्क्रिप्ट में सेलेक्ट कर लेते हैं। और हमें क्या चाहिए, सारे बटन्स को भी हमें एक्सेस करना है जावा स्क्रिप्ट में। तो अगेन मैं कॉन्स्ट लूँगी, बटन्स वेरिएबल के अंदर हम लोग सारे बटन्स को स्टोर करेंगे। तो क्योंकि हमें यहाँ पे सारे बटन चाहिए, बटन में हमने कोई क्लास नहीं दिया है, तो हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे क्वेरी सेलेक्टर ऑल। ये जितने भी बटन हमने बनाए थे वो सब यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में ऐड हो चुके हैं एंड हम लोग ने जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं उन सबको मैं एक एरे में स्टोर कर दे रही हूँ यहाँ पे। ये सारे स्पेशल कैरेक्टर हम लोग कैलकुलेटर में यूज़ करने वाले हैं, इसे हमने यहाँ पे एक एरे लिस्ट में स्टोर कर दिया है। तो नेक्स्ट मैं क्या करूँगी,
ये जो हमारा डिस्प्ले बॉक्स है यहाँ पे हमारे इनपुट और आउटपुट जो भी है वो वैल्यू हमें दिखेगी। तो इनिशियली मैं जो भी हमारा आउटपुट होगी, आउटपुट या रिजल्ट, तो मैं आउटपुट लिखती हूँ यहाँ पे। इससे एक एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर करते हैं इनिशियली, मीन्स इनिशियली हम अपने आउटपुट को एम्प्टी रखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को क्या चाहिए कि हम लोग सारे बटन पे क्लिक करेंगे तो वैल्यू आना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को एक बटन से दूसरे बटन पे लूप परफॉर्म करना होगा ताकि हम लोग एक बटन से दूसरे बटन पे आइटरेट कर पाए। तो क्योंकि बटन यहाँ पे एक सिंगल बटन है तो सिंगल बटन पे हम लोग लूप नहीं चला सकते। तो मैं क्या करूँगी, जितने भी बटन्स हैं उन सबको मैं एक एरे में स्टोर कर दूंगी। मीन्स बटन्स को हम लोग एक एरे बना देंगे, बटन्स वेरिएबल बनाया था हमने जिसमें मेरे सारे बटन्स आ रहे हैं। तो जितने भी बटन्स हैं उसे हमने एक एरे बना दिया यहाँ पे, एंड इस एरे को हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। उस वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो अभी हमारे पास एक एरे है जिसमें सारे बटन्स हैं हमारे। तो अब हम लोग इजिली किसी भी बटन पे आइटरेट कर सकते हैं। तो किसी एक बटन पे आइटरेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे फॉर ईच मैथड, एंड फॉर ईच बटन यहाँ पे एक एरो फंक्शन यूज करूंगी मैं। तो आप एक सिंगल बटन पे हम लोग ऐड इवेंट लिसनर ऐड करेंगे। कौन सा इवेंट लिसनर हम लोग ऐड करेंगे, क्लिक। मीन्स एक सिंगल बटन पे जब क्लिक होगा तो क्या होगा, जब भी एक बटन पे क्लिक होगा तो एक वैल्यू पास होगी। तो वो वैल्यू कौन सी होगी वो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। सपोज मैं नेम दे रही हूँ उस वैल्यू में, सपोज BTN वैल्यू, मीन्स बटन की वैल्यू जो भी है। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आप लोग ऐड कर सकते हो। इनिशियली मैंने BTN वैल्यू लिखा एंड एक एरे फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। एंड अब हम लोग देखेंगे कि जब भी एक बटन पे क्लिक होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। इफ कंडीशन हम लोग चेक करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे BTN वैल्यू टारगेट डॉट इनर HTML इक्वल टू इक्वल टू। सबसे पहले हम लोग इक्वल टू के लिए चेक करेंगे। अगर बटन के इनर HTML में, मीन्स अगर बटन का टेक्स्ट अगर इक्वल टू है, तो इक्वल टू हमारा कब होगा, जब हम लोगों को रिजल्ट डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे अगर हमारा बटन इक्वल टू है तो हमारा रिजल्ट कैलकुलेट होगा। तो रिजल्ट को हमने यहाँ आउटपुट से इनिशियलाइज किया है, तो मैं यहाँ पे आउटपुट कैलकुलेट करना होगा हमें। एंड आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक जावा स्क्रिप्ट करेंगे, इवेल इवेल्युएट फंक्शन होता है। यहाँ पे हम लोग आउटपुट को इवेल्युएट करेंगे। यहाँ पे आप कैलकुलेटर में देखो एक परसेंटेज कैरेक्टर भी हमने यूज किया है। तो अगर हमारे आउटपुट में परसेंटेज कैलकुलेट हो रहा है तो परसेंटेज हमारा क्या होता है, मीन्स 1/100 होता है। तो मैं परसेंटेज को इस आउटपुट में ही यहाँ पे इसे रिप्लेस कर दूंगी। परसेंटेज को रिप्लेस कर देंगे हम लोग यहाँ पे डिवाइड बाय 100 से। तो अगर हमारे कैलकुलेशन में परसेंटेज आ रहा है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ही वो रिप्लेस हो जाएगा और हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा। तो जब इतना कैलकुलेट हो जाएगा तो हमारे डिस्प्ले हमारा जो ये डिस्प्ले है इसमें इसकी जो वैल्यू होगी उसमें क्या आएगा, उसमें हमारा आउटपुट आ जाएगा। ये जो आउटपुट हमारा इवेल्युएट होके मिलेगा वो हमें कहाँ मिलेगा, वो हमें इस डिस्प्ले में मिलेगा। तो उस डिस्प्ले की वैल्यू में हम लोग आउटपुट दिखा देते हैं। तो ये हमने एक कंडीशन चेक किया, जिस बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं उसके इनर HTML में अगर इक्वल टू लिखा हुआ है तो आउटपुट कैलकुलेट होगा। बट अगर इफ एल्स कंडीशन, आई होप आपको पता होगा, तो जब उस बटन के इनर HTML में इक्वल टू नहीं होगा तो क्या होगा, जो भी बटन की वैल्यू होगी मीन BTN वैल्यू डॉट टारगेट डॉट इनर HTML, मीन्स वो जो भी बटन होगा वो स्टोर हो जाएगा आउटपुट में, मीन्स वो आउटपुट में ऐड होता जाएगा। इसलिए हम लोग इस तरह से ऐड करेंगे एंड वो हमें डिस्प्ले कहाँ होगा, हमारे डिस्प्ले में। तो
डिस्प्ले डॉट वैल्यू में क्या हमारा डिस्प्ले होगा, जो भी आउटपुट होगा। तो इसे हम लोग सेव करते हैं, एक बार देखते हैं ये चीजें काम कर रही है या नहीं। तो ये देखो अभी हमारा बटन क्लिक हो रहा है इक्वल टू, अभी बस सारे बटन यहाँ पे क्लिक हो रहे हैं। अभी देखो हम लोग एसी पे भी क्लिक कर रहे हैं तो ये डिस्प्ले हो जा रहा है यहाँ पे, अभी ये सारे बटन वर्क नहीं कर रहे। तो ये हम लोगों ने चेक किया सिर्फ इक्वल टू बटन के लिए। सेम कंडीशन हम लोग और भी बटन के लिए चेक करेंगे जो हमने बनाए हैं। तो मल्टीपल कंडीशन आपको अगर चेक करना है इफ एल्स में, तो इस फर्स्ट इफ के बाद हम लोग अगेन एक एल्स इफ यूज करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे btn value dot target dot inner html। तो सेकेंड कंडीशन हम लोग चेक करेंगे कि btn जो भी हमारा वैल्यू पास हो रहा है उसके इनर html में अगर ac है तो ac क्या हमारा ऑल क्लियर बटन है। ऑल क्लियर बटन पे क्लिक होगा तो क्या होगा, जो भी वैल्यू आपके डिस्प्ले में दिख रही है यहाँ पे, अभी देखो जैसे हमने ये वैल्यू यहाँ पे एंटर किया था ये सभी यहाँ पे दिख रही है। तो जैसे ही ऑल क्लियर बटन हम लोग क्लिक करेंगे तो आउटपुट हमारा क्या होगा, ब्लैंक हो जाएगा। मीन्स डिस्प्ले में जो भी वैल्यू है वो हमें नहीं दिखेगी, मीन्स वो वापस से हमें जो हमने इनिशियल वैल्यू ऐड की है जीरो वो डिस्प्ले होना चाहिए हमें। तो आउटपुट अगेन एम्प्टी हो जाएगा एंड डिस्प्ले की जो वैल्यू है उसमें हम लोग इस एम्प्टी आउटपुट को ऐड कर देंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं। बटन क्लिक किया मैंने, ऑल क्लियर किया, तो जो भी हमारा यहाँ पे अभी डिस्प्ले हो रहा था आउटपुट वो जा चुका है। ये देखें ये क्लियर हो जा रहा है, तो अभी हमारा क्लियर बटन भी वर्क कर रहा है। सेम इसी तरह से हम लोग डिलीट बटन के लिए भी चेक करेंगे एल्स कंडीशन को चेक करके। वैल्यू डॉट टारगेट डॉट इनर एचटीएमएल में वैल्यू अगर del है तो क्या होगा, आउटपुट इज इक्वल टू आउटपुट। मैं यहाँ पे पहले पूरा कोड लिख रही हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस लाइन का क्या मतलब है। मैं यहाँ पे स्लाइस मेथड यूज कर रही हूँ जो कि एक स्ट्रिंग मेथड होता है, इसे सेव किया मैंने। तो आउटपुट हमारा क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। तो ये स्लाइस जीरो माइनस वन लिखने का क्या मतलब है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक दूसरे स्क्रीन पे लेके चलती हूँ। यहाँ पे देखो हमारा एक स्ट्रिंग है एंड स्ट्रिंग में कुछ वैल्यू आपको दिख रहा है। तो अगर हम लोग स्टार्ट से अगर हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करें मीन्स 8600 से, तो इसकी नंबरिंग जो है कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है, मीन्स ये जीरो से स्टार्ट होती है। एंड अगर हम लोग एंड से नंबरिंग को स्टार्ट करते हैं तो ये माइनस वन से स्टार्ट होती है। तो अगर इस स्ट्रिंग में हम लोग स्लाइस मैथड यूज करेंगे जीरो माइनस वन, तो इसका क्या मतलब होता है। तो ये देखो जीरो माइनस वन जब हमने किया तो हमें कितनी वैल्यू मिल रही है, 8600 3067 12। मीन्स ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है और ये जो माइनस वन है ये लास्ट वाली वैल्यू है। चाहे कितना भी बड़ा स्ट्रिंग हो लास्ट की जो वैल्यू होगी वो माइनस वन के पोजीशन पे होती है। तो यहाँ पे इसका मतलब है ये सिर्फ जीरो, ये जीरो को काउंट करेगा एंड माइनस वन की जो वैल्यू है उसे ये काउंट नहीं करेगा। मीन्स माइनस वन के पोजिशन पे जो वैल्यू है उसे ये काउंट नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे देखो 89 को कैसे को देखते हैं, ये 89 वाली जो वैल्यू है ये माइनस वन पे है। तो जीरो माइनस वन जब भी स्लाइस हुआ तो यहाँ पे 89 की वैल्यू को ये स्टोर नहीं कर रहा है, ये लास्ट वाली जो माइनस वन है इसे इग्नोर कर देगा। उसी तरह से अगर आपको एक और एग्जांपल मैं दूँ, अगर मैं जीरो और टू लिखूँ तो क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होगा और एंड में माइनस टू तक जो भी वैल्यू होगा उसको ये डिस्कार्ड कर देगा। तो हमें कुछ ये स्ट्रिंग मिल जाएगा, मीन्स अभी माइनस टू पोजिशन पे हमारा 12 था तो अब ये 12 को भी काउंट नहीं करता है। इसका मतलब यही है कि ये जीरो से माइनस थ्री तक के वैल्यू को काउंट करेगा, माइनस टू और माइनस वन को डिस्कार्ड कर दे रहा है। तो आई होप आपको ये स्लाइस मेथड समझ में आया होगा। वापस आते हैं वीएस कोड पे, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि स्लाइस जब हम लोग कर रहे हैं तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है एंड एंड पे जो भी वैल्यू है ये माइनस वन वाली वैल्यू को काउंट नहीं करता है। तो इसके हमारे स्ट्रिंग में लास्ट पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी उसको ये डिस्कार्ड करता रहेगा। तो डिस्प्ले की वैल्यू क्या होगी, डिस्प्ले में जो हमें वैल्यू दिखेगी, डिस्प्ले में हम लोग वैल्यू ऐड कर देंगे आउटपुट
सेव करती हूँ मैं। अभी मैं दिखाती हूँ, अभी हम लोग 7452 कुछ भी ऐड करते हैं, डिलीट पे क्लिक करती हूँ मैं। तो ये देखो लास्ट में जो हमारा 2 था वो डिलीट हो गया। अभी फिर से अगर मैं डिलीट पे क्लिक करूँ तो अभी जो 5 पे है वो डिलीट हो जाएगा। मीन्स लास्ट से एक एक वैल्यू डिलीट होती जा रही है। अगर मैं यहाँ पे आपको -2 करूँ तो लास्ट की 2 वैल्यू आपको डिलीट होती हुई दिखेगी। मैं दिखाती हूँ 7852 किया मैंने डिलीट किया, तो देखो डायरेक्ट 2 वैल्यू डिलीट हो गई। तो मुझे एक ही वैल्यू को डिलीट कराना है। 743 डिलीट करूँगी मैं, कुछ भी डिलीट हो गया। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आई थिंक हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग इसे एक बार फुल स्क्रीन पे देखते हैं। तो अभी जितने भी ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे सबको हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। 789 मैंने किया, ऑल क्लियर, क्लियर हो गया। 7438 कुछ भी किया मैंने डिलीट, तो लास्ट की जो डिजिट है वो डिलीट हो रही है। अभी इसमें परसेंटेज इक्वल टू करूँ, ये इक्वल टू बटन हमारा वर्क नहीं कर रहा है, देखते हैं हम लोग। तो जब हम लोग ये इक्वल टू प्रेस कर रहे हैं तो हमारा इक्वल टू की वैल्यू यहाँ पे आ रही है डिस्प्ले में। ये क्यों हो रहा है देखते हैं हम लोग। इक्वल टू इनर एस्टिमेट, ओके। तो यहाँ पे देखो हमने इनर की स्पेलिंग मिस्टेक की है, सेव करते हैं हम। अभी चेक करते हैं एक बार, 7 × 7 इक्वल टू 49, ओके इट्स वर्किंग नाउ। इसका परसेंटेज अगर इक्वल टू करें तो 0.78 मल्टीप्लाई बाय 100। ये नंबरिंग शायद मैंने ऑर्डर गलत किया है यहाँ पे, 3-2-1 किया, आई थिंक ये 1-2-3 होना चाहिए था, बट इट्स फाइन, ये वर्क कर रहा है। अगर आपको चेंज करना है तो आते हैं index.html में। अभी मैं एक और शॉर्टकट आपको बताती हूँ, लाइन को हमें अप या डाउन शिफ्ट करना है। हम लोग क्या करेंगे, अल्ट प्रेस करके डाउन एरो अप करोगे, ये देखो लाइन आपकी शिफ्ट हो रही है। अल्ट अप एरो करने से ये ऊपर शिफ्ट हो गया, तो कुछ इस तरह से सेव किया मैंने। तो अभी देखो नंबरिंग ऑर्डर चेंज हो गया यहाँ पे। तो ये कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से, हमने सारे फंक्शन भी यहाँ पे चेक कर लिए, अभी ये बिल्कुल वर्क कर रहा है अच्छे से। तो आप लोग एक बार खुद से इसे प्रैक्टिस जरूर करना। इसके सोर्स कोड मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको सोर्स कोड मिल जाएगा वहाँ से, आप लोग खुद से एक बार ट्राई करना इसे बना के। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह के और भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।